हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ जाना, ठीक है। आने के बाद इधर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना, ठीक है। और इधर आ जाना है ड्राइंग में, आके पिकर मास्क पर क्लिक करना, ठीक है। पिकर मास्क पर क्लिक करने के बाद यही साइज़ जो हमने लिया हुआ है इसी को ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1280 × 720, ठीक है। तो मैंने इसी को ले लिया। लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर से कलर ब्लैक चूज़ करूँगा और इस पूरी लेयर पर पेंट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने ये पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा एडिट इमेज अपनी यानी कि एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने जाना है ऐड फोटो में। मैंने पिक्चर का बैकग्राउंड पहले से रेड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने जो पिक्चर लें उसका यानी कि ना उसने ग्लासेस पहने हो, ठीक है। तो यानी कि बेस्ट लुकिंग देगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने ये मर्ज भी कर दी, ठीक है। मर्ज नहीं करनी, सिंपली मैं ऐड फोटो में फिर से जाऊंगा, इसी फोटो को ऐड करूंगा और यार ये तो फ़र्क ही कुछ नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, मुझे समझ लग गई। तो सिंपली मैं इसको करूंगा बैक, मुझे क्योंकि फ़र्क नहीं दिख रहा यार, तो इसलिए मैं ज़रा ना इधर आऊँगा बॉर्डर में और इधर से वाइट बॉर्डर है ना जो, वो ले लूँगा 1%, ठीक है। ताकि हमें थोड़ा सा यार दिखे तो सही, वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाद में क्रॉप करके इसको रिमूव कर देंगे, ये जो पार्ट है, ठीक है। सिंपली जाऊँगा ऐड फोटो में, अब उसी पिक्चर को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखें, ऐड करने के बाद उसको मैंने इधर सेट किया। अब मैं जाऊँगा सिंपली एफएक्स में और इधर मैंने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने इसको इधर मर्ज कर दिया, ठीक है। पिक्चर को मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद सिंपली मैं गया इधर में और ये जो नीचे का पार्ट था इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। साइज़ को बढ़ा देंगे पेस्टी को इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से यानी कि रेत कर लेंगे जो पार्टिकल्स हैं। रिमूव करने के बाद पिक्चर को हमने कर दिया डन। तो ये देखें, सिंपली डन। डन करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने जाना है ड्रा टूल में। इधर से मैं कलर चूज़ करूँगा रेड या ब्लू, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और ये जो हमने ग्लासेस पहने हुए हैं ना, इन पे पेंट करेंगे। तो साइज़ हम कम कर लेंगे, तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से यानी कि हमने ग्लासेस पेंट करने हैं। तो सिंपली इधर से इरेज कर लेते हैं बैक। तो थोड़ा सा गुलाई और दे लेते हैं, ठीक है। यानी कि इस एडिटिंग में मुझे तो यही काम मुश्किल लगा, ठीक है। यानी कि ये गुलाई वगैरह करना, तो सिंपली तो इसके नीचे से ही रेज कर लेते हैं। बैक कर लेंगे, ठीक है। तो इधर से ये नीचे से रह गया,
तो ये देखें ऑलमोस्ट ये डन हो गया। तो इसके मैं यानी कि ना ये डन होने के बाद मैं सिंपली दूसरे ग्लासेस पे आऊँगा और इधर पेंट कर लेंगे, ठीक है। इसको कम यानी कि ये जो है ना, बस मुझे इसी एडिटिंग में बस यही काम मुश्किल लगा है, तो ये काम इसमें ज़रूरी भी है। वो क्यों ज़रूरी है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ। तो ये देखें सिंपली हमारे सन ग्लासेस हो गए पेंट। तो इरेजर में जाके ये थोड़ा सा पार्ट इजाफी है। तो सिंपली ये हमारे ग्लासेस पेंट हो गए, तो इनकी कैपेसिटी को देख लेते हैं हल्का सा काम करके, ठीक है। सिंपली डन। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने जाना है टेक्स्ट में और इधर मैंने लिखना है माई स्टाइल। माई स्टाइल नहीं सिर्फ स्टाइल, तो सिंपली मैंने स्टाइल को इधर लिख लिया, डन करूँगा। डन करने के बाद मैं जाऊँगा सिंपली ऐड फोटो में और इधर से ये लेंस फेयर है, इसकी ब्लेंडिंग मोड मैं चेंज करके स्क्रीन करूँगा और इसको मैंने यूज़ करना है इधर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा नीचे से शेड ये वाला निकले। सिंपली डन। डन करने के बाद मैं एफेक्ट्स में जाऊँगा और इधर से ये HDR वाला इफेक्ट अप्लाई करके देख लूँगा, ठीक है। ये देखें सिंपली डन। तो डन करने के बाद, ठीक है, मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ। सिंपली मैं जाऊँगा टूल में और इधर आऊँगा क्रॉप में। तो ये देखें इधर आने के बाद ये हम इधर से चूज़ कर लेते हैं पोर्ट्रेट साइज, डन। तो ये देखें हमारी पिक्चर बहुत ही ऑसम लुक दे रही है, ठीक है जी। यानी कि पोर्ट्रेट साइज हमने FB पे या Instagram पे पोस्ट करना होता है, वो लुक में बहुत ही कमाल की लुक दे रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।